वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे फ़ोटोशॉप में हम कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड की गई पिक्चर के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, देन उसे सेव एज पीएनजी, जेपीजी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप में लेंगे न्यू शीट, और न्यू शीट की यहाँ सेटिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारी जो न्यू फाइल है ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, और ओपन करेंगे पिक्चर जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है। और इसे ओपन करने के बाद मूव टूल के जरिए से ट्रैक करके ट्रांसपेरेंट शीट पे लाएंगे। लाने के बाद इसे कंट्रोल प्लस टी के साथ एक साइड से इसे ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जो हमारी पहली नेट से डाउनलोड से डिलीट कर देंगे, उसके बाद मैजिक टूल के जरिए इसे करेंगे इसके बैकग्राउंड को डिलीट। डिलीट करेंगे तो ऐसे ही हमारी इमेज दिखाई देगी, देन करेंगे सेव एज। आप पीएनजी या जेपीजी में इसे सेव एज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पीएनजी फाइल नेम दिया और उसके बाद पीएनजी यहाँ से सिलेक्ट किया, करने के बाद हम करेंगे इसे ओके, देन फिर ओके करने के बाद जी हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज फ़ोटोशॉप में बना ली है। पहले देखेंगे जैसे ही इंटरनेट से हमने पिक्चर पहले डाउनलोड किए थे ऐसे क्लैरिटी से नहीं दिखाई दे रही, और इसे ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। और यदि हम जो अभी हमने फ़ोटो बनाई फ़ोटोशॉप में ट्रांसपेरेंट वो ओपन करते हैं, और इसे ओपन करने के बाद देखेंगे इतनी क्लैरिटी से बनी, क्योंकि इसकी पिक्चर बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट फ़ोटोशॉप में अच्छी तरह की है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे, और जिसमें देखेंगे कोई जिफ इमेज को कैसे हम ओपन करें, उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करें, ट्रांसपेरेंट करें। जैसे हमने ये पिक्चर डाउनलोड की है जो जिफ है, और इसे मूव टूल के जरिए से हम ड्रैग करते तो ऐसे ड्रैग नहीं होती, इसे कैसे लाएं, इसे करेंगे हम सिलेक्शन। सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट करके इसे फिर मूव टूल के जरिए से इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद सेम स्टेप्स मैजिक टूल के एक साथ इसकी बैकग्राउंड को करेंगे रिमूव। बैकग्राउंड मूव करने के बाद और इसे करेंगे हम इसे कॉर्नर से इसे ड्रैग, और सेम स्टेप ड्रैग करने के बाद इसे करेंगे हम मैजिक टूल के जरिए इसकी बैकग्राउंड को रिमूव। मूव करने के बाद सेम स्टेप इसे भी सेव करेंगे, पीएनजी या जेपीजी में चाहते हैं इसे हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम इसी पिक्चर को फिर दोबारा ओपन करके देखेंगे जहाँ हम चाहते हैं, ज़रूरी नहीं फोटो पेंट में इसे ट्रांसपेरेंट करना, कॉरल ड्रॉ भी कभी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है कभी हम फोटोशॉप में बना सकते हैं। बैकग्राउंड में भी हम कोई भी और एप्लीकेशन है उसमें ट्रांसपेरेंट पिक्चर बनानी, यदि इसको इंटरनेट से बना सकते हैं रिमूव कर सकते, यदि हम फोटोशॉप में चाहें तो फोटोशॉप में भी इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। हम पेंट में करेंगे इसे ओपन। ओपन करने के बाद सेम स्टेप हम ट्रांसपेरेंट पहले ऑन करेंगे, और जो अभी हमने फोटोशॉप में बनाई है पिक्चर हम इसके दो कॉपी ले लेंगे, दोनों करके देखेंगे। सबसे पहले इंटरनेट से जो हमने पिक्चर डाउनलोड की है उसे देखेंगे, और जब भी हम उसे ट्रैक करते हैं, ओपन करते हैं, सेटिंग करते हैं तो देखते हैं इतनी क्लैरिटी के साथ इसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होती जितनी हम फोटोशॉप में, जी हमने नेट से डाउनलोड की है तो इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती। और यदि जो हमने अभी बनाई है फोटोशॉप में उसे ओपन करके देखेंगे तो उसकी काफ़ी बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट की क्लैरिटी होती है। ये था आज की वीडियो में हमने बैकग्राउंड को कैसे इमेज की बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना, ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो ऐसे जी फोटोशॉप की इमेज बिग साइज़ में दिखाई देगी, और इसे हमें यहाँ से रीसाइज करके ऐसा साइज जो जैसा हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। और इसे सेट करने के बाद देखेंगे, और जब देखेंगे जो हमने फोटोशॉप में इमेज बनाई है काफ़ी क्लैरिटी उसके साथ ट्रांसपेरेंट हुई है, जबकि नेट से डाउनलोड नहीं अच्छी तरह हुई। थैंक फॉर वॉचिंग।